गुड इवनिंग। आज जो क्लास है वो है प्रभावाद के कलाकार एडगर देगा, या इनको अंग्रेजी में कहते हैं एडगर देगास। तो देगा या डेगास, इनको डेगास भी कहते हैं। इनको एडगर, अंग्रेजी में एडगर डेगास भी कहते हैं, ठीक है। इनको एडगर डेगास, तो डेगा से डेगास याद रखिएगा, अंग्रेजी में दे, हिंदी में देगा, अंग्रेजी में डेगास या डेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये शब्द आए तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो डेगा जो थे ये एक प्रभाववादी चित्रकार थे, लेकिन लेकिन प्रभाववाद से संतुष्ट नहीं थे। प्रभाववादी चित्रकार थे लेकिन ये प्रभाववाद से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि क्योंकि ये नैसर्गिक, क्योंकि ये नैसर्गिक, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नैसर्गिक नैसर्गिक चित्रों का विरोध करते थे। नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, ठीक है। तो एडगर देगा जो थे ये प्रभाववादी चित्रकार थे लेकिन प्रभाववाद से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि ये नैसर्गिक चित्रों का विरोध करते थे, ठीक है। और ये एक मूर्तिकार भी थे, क्या थे ये, एक मूर्तिकार भी थे, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हम लोग। देगा वास्तव में ये एक एक श्रेष्ठ रेखा श्रेष्ठ रेखा व्यक्ति चित्रकार थे। देगा क्या थे, एक श्रेष्ठ रेखा व्यक्ति चित्रकार थे। ये जो चित्रकार था ये रेखा में, रेखा के द्वारा ये व्यक्ति चित्र अधिक बनाते थे, और ऐसे बनाते थे जो गरीब पोशाक वाले चित्र बनाते थे, गरीबी की पोशाक वाले चित्र पर ही व्यक्ति चित्र बनाते थे, अमीरी की पोशाक वाले चित्र नहीं बनाते थे। ध्यान रखिएगा, श्रेष्ठ रेखा व्यक्ति चित्रकार थे, ये गरीबी की पोशाक वाले व्यक्ति चित्र बनाते थे, जैसे जैसे गोविंद का व्यक्ति चित्र, जैसे नौकर नौकरानी का व्यक्ति चित्र, दास दासी का व्यक्ति चित्र, वैश्याओं का व्यक्ति चित्र, स्वेच्छाचारी
मनुष्य का व्यक्ति चित्र, तो ये जो थे ये गरीबी की पोशाक वाले चित्र बनाते थे। मैंने बताया कि धोबिन, ठीक है, नौकर नौकरानी, दास दासी, वैश्याओं, स्वेच्छाचारी मनुष्य और लिपिक, और किसके, लिपिक के चित्र बनाते थे। तो ये वो चित्र है जो गरीबी के लोग जो पोशाक पहने होते हैं, जो गरीब लोग पहने होते हैं, उनके चित्र ये बनाते थे। तो इसका मतलब है कि अमीरी पोशाक वाले चित्र नहीं बनाते होंगे। ये बात सही है कि अमीरी पोशाक वाले चित्र नहीं बनाते। तो वो कौन सा प्रभाव आदि चित्रकार था जो अमीरी पोशाक वाले चित्र नहीं बनाता था, गरीबी वाले चित्र बनाता था, तो उसका नाम है देगा। तो एक बार एक महिला जो अमीर थी, उसने देगा से अपना चित्र बनाने के लिए कहा कि आप मेरा चित्र बनाइए। तो इस पर देगा ने कहा कि यदि आप गरीब के पोशाक पहन करके आएंगे तो मैं आपका व्यक्ति चित्र बना दूंगा, अमीरी की पोशाक वाला मैं चित्र नहीं बनाता हूँ। यानी ये अमीरी के अमीरों का चित्र नहीं बनाते थे। इसका मतलब सीधा यही है कि अमीरों का चित्र नहीं बनाते थे, गरीबों के चित्र बनाते थे, या पहले गरीब पोशाक वाले चित्र अधिक बनाते थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो वास्तव में ये श्रेष्ठ, याद रखिएगा, वास्तव में ये श्रेष्ठ रेखा व्यक्ति चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि एक प्रभावादी चित्रकार है, ये एक मूर्तिकार भी थे, और ये एक, अगर क्वेश्चन आता है कि प्रभावाद तो प्रभावादी चित्रकार तो है, लेकिन ये उनमें सबसे ये श्रेष्ठ रेखा व्यक्ति चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इस महान कलाकार का जन्म, इस महान कलाकार का जन्म 1834 में पेरिस में एक सघन परिवार में हुआ था। मैंने क्या कहा है, 1834 में पेरिस में एक सघन परिवार में हुआ था। सघन मतलब था एक अमीर परिवार में इनका जन्म हुआ था, क्योंकि इनके पिता एक बैंकर थे। बैंकर मतलब लोगों का पैसा रखते थे, ठीक है। इनके पिता एक बैंकर थे, वो भी इसी लाइन में इनको लाना चाहते थे, लेकिन ये बचपन से इनको चित्रकारी करने का शौक था, इसीलिए बचपन से ये अभ्यास पुस्तिका पर चित्रकारी किया करते थे, अभ्यास पुस्तिका पर चित्र बनाया करते थे। जब ये कुछ बड़े हुए तो इनका दाखिला इनके पिता ने एक स्कूल में करा दिया, विद्यालय में करा दिया, एक चित्रशाला में करा दिया। तो वो चित्रशाला किसकी थी, आइए देखते हैं। इनका दाखिला पेरिस में अग्र के शिष्य लुई लामोद की चित्रशाला है, लुई लामोद की चित्रशाला, सही है। दाखिला इनका पेरिस में अग्र के शिष्य लुई लामोद की चित्रशाला में करा दिया गया। यही इनके प्रारंभिक गुरु थे, लेकिन देगा
सबसे अधिक, सबसे अधिक अग्र से प्रभावित है। अग्र किस वाद का कलाकार, जल्दी मुझे बताओ पहले से फटाफट, अग्र यानी अग्र जो है ये किस वाद के कलाकार थे, जल्दी मुझे कोई बताए। तो देवा सबसे अधिक अग्र से प्रभावित है। कोई नहीं बता पाएगा, निधि, कंचन, रानी, सतेंद्र, सुनील, उद्देश, गणेश, सुनीता, सत्वती, अस्मा, श्री कृष्णा, शास्त्री वाक्य सर, इसके नौ शास्त्री वाक्य, बिल्कुल सर बोल करो, नौ शास्त्रीतावाद, ये नौ शास्त्रीतावादी कलाकार थे, ठीक है। तो देगा सबसे अधिक किससे प्रभावित थे, ध्यान रखेगा, देगा सबसे प्रभावित थे किससे, अग्र से प्रभावित थे, लेकिन इसके अतिरिक्त ये कुर्बे से भी प्रभावित थे, किससे, कुर्बे, कुर्बे से भी प्रभावित थे। अब कुर्बे किस बात के हैं, जल्दी बताओ मुझे फटाफट, कुर्बे किस बात के हैं, यथार्थवाद के, यथार्थवाद के सर, यथार्थवाद, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यथार्थवादी थे, कुर्बे क्या थे, यथार्थवादी थे, बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल। अब रिविजन करते चलो, सुनने में आया कि वैकेंसी आ गई है, लेकिन मुझे अभी कुछ डाउट लग रहा है कि शायद ये फेक न्यूज लग रही है, वो कल तक 24 घंटे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बात कर रहे थे देगा के बारे में कि देगा जो थे ये लुई लामोत चिकित्सालय में इनका दाखिला हुआ, वहां पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे, यानी चित्रशाला में, चित्रशाला में पूर्ण संतुष्ट नहीं थे, इसलिए ये लूब्र संग्रहालय चले जाया करते थे। यहां पे दो लोगों के चित्र अधिक देखते थे, उनको पसंद आते थे, एक था चित्रकार बत्ती चल्ली, कौन था, पाश्चात कलाकार बत्ती चल्ली, और दूसरा कलाकार था लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची। इन दो लोगों से ये अधिक प्रभावित थे, यानी इन दोनों से ये क्या थे, प्रभावित थे। अब क्योंकि ये तो जीवित थे नहीं, इनके चित्रों से प्रभावित थे, आप कहेंगे ठीक है, इन दोनों के चित्रों से प्रभावित थे, और उन्हीं चित्रों को देख करके नई नई चीज सीखने का प्रयास करते थे, ठीक है। सर नेक्स्ट, सर आगे बात करते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं, सर बत्ती चली किस वाद से थे, हाँ बत्ती चली सर किस वाद से थे, वाद नहीं है, बत्ती चली जो है ये पूर्व पुनर्जागरण काल के थे, जैसे उच्च उच्च पुनर्जागरण, जैसे उच्च है आपका हाई रिनेसा, जी जी, तो उसका ये रिनेसा काल के हैं, ठीक है, वो अभी पढ़ाएंगे आगे आपको हम। नेक्स्ट, तो बात कर रहे थे देगा के बारे में, तो देगा जो थे ये मैंने कहा लूप संग्रह जाया करते थे, और ये अपने चित्रों में, ये चित्रों में प्रारंभ में तैल रंग का, तैल रंग का प्रारंभ में तैल रंग का प्रयोग करते थे,
और तैल रंग में क्या मिलाते थे? मिलाते थे टर्पेटाइन। क्या मिलाते थे? टर्पेटाइन। टर्पेटाइन का मतलब होता है कौन सा तेल? टर्पेटाइन, टारपीन। कौन सा? टारपीन तेल। टर्पेटाइन का मतलब होता है कौन सा तेल? टारपीन का तेल मिलाते थे। तैल रंग में टारपीन का तेल मिलाते थे। मिलाते नहीं थे, अधिक मिलाते थे। अधिक मिलाते थे जिससे धरातल चिकना व चमकदार दिखाई दे। क्या करते थे? ये टर्पेटाइन मिलाया करते थे, ध्यान रखिएगा, टर्पेटाइन। तो टर्पे तैल रंग में, तो शुरू में इन्होंने तैल रंग का प्रयोग किया है, लेकिन बाद में इन्होंने तैल रंग का प्रयोग छोड़ दिया। फिर इन्होंने इसके स्थान पर इन्होंने खड़िया का प्रयोग किया, यानी रंगीन चाक बोलते इसको, ठीक है। इन्होंने फिर रंगीन चाक का प्रयोग किया। इसके बाद इन्होंने रंगीन तैल रंग के बाद, तैल रंग के बाद बाद इन्होंने रंगीन चाक का प्रयोग किया। इन्होंने तैल रंग के बाद क्या किया? रंगीन चाक का प्रयोग किया। आ रहा समझ में आप लोगों को? अब रंगीन चाक का प्रयोग किया इन्होंने, तो कैसे प्रयोग करते थे? क्या करते थे कि सबसे पहले एक अंगीठी लेते थे, अंगीठी आग जलाते थे उसमें, और फिर एक केतली लेते थे, उस केतली में पानी डालते थे। पानी को क्या करते थे? उबालते थे। तो जब पानी को ढक्कन बंद कर देते थे, तो केतली का, जहां से केतली का पानी नहाया जाता है, जो चाय नहाई जाती है, वो केतली की बात कर रहे हैं, तो वहां से निकलती थी भाप। जो भाप निकलती थी, उस भाप से उसकी रंगीन चाक को ये भाप से मुलायम करते थे। क्या करते थे? रंगीन चाक को भाप से मुलायम करते थे। रंगीन चाक से क्या करते थे? भाप, भाप को रंगीन चाक से उसको मुलायम करते थे। और जिससे क्या होता था कि जो रेखा होती थी, बड़ी सधी रेखा खींचती थी। यानी क्या होता है, जब सूखी चाक होती है तो उससे रेखा जो होती है सधी नहीं होती है। उससे रेखा क्या होती है कि वो सूखी चाक से उसकी गर्दा उड़ती है और वो रेखा स्पष्ट नहीं आती। स्पष्ट मतलब आती है, लेकिन बहुत ही सधी नहीं आती है। जब मुलायम कर लेंगे चाक, तो वो चाक का जो बुरादा उड़ता नहीं है, और इसीलिए उससे सधी रेखा बनाई जाती है। यानी भाप से मुलायम करते हैं, जिससे जिससे सधी रेखा का रेखा बनाई जा सके। तो इस तरह से ये जो है रंगीन चाक का प्रयोग करते थे, ठीक है। पहले तैल रंग का और फिर रंगीन चाक का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट, इनके चित्रों में, इनके चित्रों में जापानी कला, चित्रों में जापानी कला का प्रभाव दिखाई देता है। क्या है कि इनकी कला में जापानी कला का प्रभाव दिखता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इनके चित्र, इनके चित्र, इनके चित्र फोटो ग्राफी, क्या है? इनके चित्र फोटोग्राफ,
फोटोग्राफ के समान लगते थे, यानी ऐसा चित्र बनाते जैसे लग रहा फोटो खींच लिया गया हो, ठीक है। उसको कहते हैं, उसको कहते हैं हिंदी में त्वरित छापा चित्र, त्वरित, इसको क्या कहेंगे, इसे कहेंगे त्वरित छापा चित्र, फोटो हिंदी में इसको कहेंगे त्वरित छापा चित्र। तो इस तरह से इनके चित्र फोटो के समान लगते थे। 1855 में राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी लगाई गई, उस प्रदर्शनी में कुर्बे को चित्रों को देखा, मैंने पहले बता चुका अभी, कुर्बे के चित्रों को देखा और कुर्बे के चित्रों को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुए, या ये कह ले कि कुर्बे से प्रभावित थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी से प्रभावित थे तो वो नवशास्त्रीयतावादी कलाकार जिसका नाम था अग्र, तो अग्र से ये सबसे ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है। लेकिन गुरु कौन थे इनके, तो प्रारंभिक गिरिंग के लुई लामोत, मैंने अभी बताया लुई लामोत इनके प्रारंभिक गुरु थे, इन्हीं से इन्होंने प्रारंभिक कला इन्हीं से ही सीखी थी। अब पेरिस में रहा करते थे तो वहां पर अक्सर बेले नृत्य का कार्यक्रम हुआ करता था, बेले बेली डांस होता है ना, तो बेले नृत्य का कार्यक्रम हुआ करता था, लोग दूर दराज से लोग यहाँ पर कार्यक्रम करने आया करते थे, ये बेले नृत्य को देखने भी जाया करते थे। तो इन्होंने लगभग कह लें कि 1873 से लेकर के 1890 से कुछ पहले इन्होंने लगातार बेले नृत्य पर, बेले दृश्य चित्र पर इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए। तो आइए देखते हैं, देगा 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 पेरिस में बैले है ना, बैले नृत्य, पेरिस में बैले नृत्य को देखने जाया करते थे। तब इन्होंने प्रारंभिक चित्र यथार्थवाद पे बनाए, यथार्थवाद पर बनाए, क्योंकि देगा जो थे पहले यथार्थवाद पे काम करते थे, फिर ये प्रभावासी जुड़ गए, तो यथार्थवाद पे चित्र बनाए, कुछ बाद में प्रभावाद पे भी चित्र बनाए, ठीक है, यथार्थवाद पे चित्र बनाए कुछ, नहीं प्रभाव प्रारंभिक चित्र यथार्थवाद पे बनाए, इसके अतिरिक्त प्रभावाद पर चित्र बनाए थे, ठीक है। कौन कौन से बनाए आइए देखते हैं, इन्होंने बेले नृत्य पे कौन कौन से चित्र बनाए, जैसे सिंगर एट द बार यानी जलपान ग्रह की गायिकाएं, हिंदी क्या कहेंगे, सिंगर एट द बार, अंग्रेजी में है सिंगर्स एट द बार, इसको कहेंगे हिंदी में जलपान ग्रह की गायिकाएं, जलपान ग्रह की गायिकाएं। इसी तरीके से और चित्र इनके, द सिंगर ऑन द स्टेज, द सिंगर ऑन द स्टेज, इसी तरीके से इनके और चित्र हैं, डांस क्लास, कौन सा है, डांस क्लास,
और चित्रिंगा है डांसर ऑन द स्टेज द सिंगर ऑन द स्टेज डांसर ये डांसर है डांसर ऑन द स्टेज ये अलग है ये सिंगर है ये डांसर है डांसर ऑन द स्टेज डांसर डांसर्स इन रिहर्सल डांसर्स डांसर्स यानी कई लोग हैं डांसर्स इन रिहर्सल इन रिहर्सल ठीक है लाइट चली गई है थोड़ा से ठीक है तो क्या है डांसर इन रिहर्सल इसके अलावा है ब्लू डांसर डांसर्स इसके अलावा कौन सा है ब्लू डांसर एक और है कंसर्ट कंसर्ट इन ए कैफे ये इधर लिख देता हूं कंसर्ट इन ए कैफे ये सारे के सारे चित्र हैं जो देगा के हैं जो देगा ने उस समय बनाए हैं जब देगा पेरिस में बैली नृत्य को देखने जाया करते थे और बैले नृत्य को देख करके उन्होंने कुछ यथार्थवाद पे और बाद में कुछ प्रभाववाद पे चित्र इन्होंने बनाए हैं तो जो मैंने अभी आपको चित्र बताए हैं बड़ा इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला चित्र है सिंगर्स एट द बार जलपान गृह की गायिकाएं द सिंगर ऑन द स्टेज डांस क्लास डांसर ऑन द स्टेज डांसर्स क्या लिखा मैंने डांसर्स इन रिहर्सल्स ब्लू डांसर्स कंसर्ट इन कैफे ये इन्होंने चित्र कुछ महत्वपूर्ण चित्र बनाए थे आइए आगे देखते हैं इसके बाद इन्होंने क्या किया है देगा एक व्यावसायिक कलाकार नहीं थे ये अभी कभी अपना चित्र नहीं बेचते थे कभी नहीं बेचते थे देगा जो थे ये एक व्यावसायिक कलाकार नहीं थे ये अपना चित्र नहीं बेचते थे लेकिन फिर भी इन्होंने अपने कुछ चित्र मजबूरी में बेचे थे इनका एक कौन था इन्होंने इनका चचेरा भाई था उस चचेरे भाई को कुछ पैसे की आवश्यकता थी इसलिए इन्होंने अपने चित्र बेचे थे देगा व्यवसायिक कलाकार नहीं थे ये चित्र नहीं बेचते थे लेकिन अपने चचेरे भाई के लिए लिए कुछ चित्र बेचे थे यानी ये अपने भाई के लिए चित्र बेचे थे अपने लिए नहीं बेचे थे क्योंकि उसको पैसे की आवश्यकता थी तो इस तरह से देगा एक जो है कलाकार ऐसे थे जो व्यवसायिक कलाकार नहीं थे लेकिन ये चित्र बनाया करते थे और कहते थे कि अपने मित्र से कहते थे कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो कभी शोक मत व्यक्त करना दुख मत व्यक्त करना बल्कि ये कहना कि देखो ये देगा एक श्रेष्ठ चित्रकार है श्रेष्ठ रेखा व्यक्ति चित्रकार है तो देगा स्वयं कहते थे तो देगा स्वयं कि देगा एक श्रेष्ठ रेखा व्यक्ति चित्रकार थे देगा क्या थे देगा एक श्रेष्ठ रेखा व्यक्ति चित्रकार थे तो ध्यान रखिएगा क्लियर हो रहा है देगा अभी लास्ट मिनट के बताएंगे और बहुत सारे चित्र हैं देगा एक चित्रकार के साथ साथ एक मूर्तिकार भी थे मैंने अभी आपको बताया था ठीक है देगा एक मूर्तिकार भी थे
एक मूर्तिकार भी थे। इनकी प्रमुख मूर्ति कौन कौन सी है? दौड़ने वाला घोड़ा, दौड़ने वाला घोड़ा। एक तो इनका ये चित्र है, दौड़ने वाला घोड़ा। दूसरा है तरुण नर्तकी। ये दोनों इनके मूर्तियां हैं। ये क्या है? मूर्ति है। एक दौड़ने वाला घोड़ा और दूसरे क्या है? मूर्ति है। तो ये मूर्तियां भी बनाते थे, समझ रहे? ये मूर्तियां भी बनाते थे। तो इनके एक मित्र थे रेनवार। क्या नाम था? इनके एक मित्र थे रेनवार। ठीक है, इनके एक मित्र थे रेनवार। मित्र रेनवार, रेनवार, रेनवार कहते थे कि मैं देगा को चित्कार से पहले मूर्तिकार मानता हूं। देगा क्या कहते थे? मैं चित्कार से पहले देगा को एक मूर्तिकार मानता हूं। तो मूर्तिकार कौन कहता था? रेनवार कहते थे, चित्कार रेनवार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इनके अन्य प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। इनकी अन्य प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? अन्य प्रमुख चित्र गैलीली परिवार, दूसरा पीता कस्ती हुई महिला, तीसरा मोने का व्यक्ति चित्र, चौथा मोने का व्यक्ति चित्र, चौथा युवती का शीर्ष, युवती का शीर्ष, युवती का शीर्ष, आफ्टर द बाथ, आफ्टर द बाथ, पिता का व्यक्ति चित्र, पिता का व्यक्ति चित्र, पिता का व्यक्ति चित्र, रुई का बाजार, रुई का बाजार। बेले नृत्य, बेले नृत्य। और कौन सा है? बेले नृत्य। घोड़े पर सवार महिला, घोड़े पर सवार महिला। इसी तरीके से घोड़े पर सवार महिला आत्मचित्र, आत्म, आत्मचित्र। इसी तरीके से और कौन सा है? भाभी स्टेल म्यूसो का व्यक्ति चित्र, भाभी स्टेल, स्टेल, भाभी एस्टेल, भाभी एस्टेल म्यूसो का व्यक्ति चित्र, भाभी एस्टेल म्यूसो का व्यक्ति चित्र। घुड़दौड़ के मैदान, घुड़दौड़ के मैदान, तेरा घुड़दौड़ के मैदान। ले आ जा भाई, अपन कपड़ा एक दिन डाल लेबे, कहीं भैया मंगा दे तुम्हारा जल्दी रहा है वाला, वो अपन आला है। अच्छा साड़ी लाई है, ये ले यार, उस निकाल में भरम नहीं जाए, वो साड़ी का दान मांग रहा है, टी-शर्ट चाहिए। क्या लेन बंद करिए,
बताने फोन से बात करें हाँ, तो एक बार फिर देख लेते हम लोग। बेलिनी परिवार, पीता कसती हुई महिला, मोनी का व्यक्ति चित्र। बेलिनी परिवार इंपॉर्टेंट चित्र है, मोनी का व्यक्ति चित्र इंपॉर्टेंट चित्र, युति का शीर्ष आफ्टर द बाथ, पिता का व्यक्ति चित्र, रूई का बाजार, बेले नृत्य इंपॉर्टेंट चित्र है, घोड़े सवार महिला आत्मचित्र, भावी स्थिर मनुष्य का व्यक्ति चित्र इंपॉर्टेंट है, गुरुद्वार के मैदान और आत्मचित्र। एक और चित्र है, वो मैं थोड़ा लिख के बताऊंगा, ठीक है। इन्होंने 1883 में, 1883 में पेस्टल रंग में एक चित्र बनाया था। उस चित्र का नाम है द मॉर्निंग बाथ है। क्या है? द मॉर्निंग बाथ। ये तो 1883 में पेस्टल रंग में इनका चित्र था, मॉर्निंग बाथ है। तो लाइट चली गई है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं सोचा था आज पूरा कर देंगे, अब क्योंकि अभी बहुत सारे छोटे छोटे चित्रकार हैं, अब कल ही पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत गर्मी है, लाइट एसी सब बंद हो गया है, तो चलिए करते हैं, ठीक है। जय हिंद, गुड नाइट। किसी कुछ कहना है, कोई अपनी बात रख सकते हो कोई?